नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत जैसे कि टॉपिक वाइज वीडियो हम आपको करा रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोशिका से अंग तंत्र तक, जहां पर इसके अंतर्गत सारी चीजों की हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो हम दिखाते हैं आपको कोर्स में, तो ये हमारा टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोशिका से अंग तंत्र तक। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण देखा था, जो कि पिछला वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और रही बात ये जो आपके जो टॉपिक है इन पर प्रश्नों की, तो प्रश्नों की प्रैक्टिस आज ही को हम शाम के 8 बजे जो है वो करेंगे, तो वहां पर आप लाइव आकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। कोशिका को आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। तो कोशिका जो है वो जीवधारी जो होते हैं उनकी जैविक क्रियाओं की रचनात्मक और मौलिक इकाई जो है वो होती है। इनमें आपका पारगम कला भी होती है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियली प्री या परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उससे जो है ये घिरी रहती है। इसमें आपका स्वजनन जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन उसकी भी क्षमता जो है वो होती है। अब ये सारी चीजें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे पूछा क्या जाता है उसकी अगर बात करें तो किस भाषा से यह शब्द लिया गया है, आप कहेंगे लैटिन भाषा से यह शब्द जो है वो लिया गया है। और उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो सेलुला से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक कोष्ठ या फिर छोटा कमरा, ये जो है इसका अर्थ होता है। फिर पूछा जाता है कोशिका के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको हर हाल में रटा होना चाहिए, साइटोलॉजी जो है हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। साइटोलॉजी इंग्लिश में भी कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं CYTOLOGY। वर्तमान में इसे कोशिका विज्ञान भी जो है वो कहा जाता है। बाकी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय से पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, कोशिकाओं का अगर समूह बात करें मिलकर किसका निर्माण करता है, तो ऊतकों का निर्माण करता है, और विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो अंगों का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप से आपका क्रम जो है वो चलता है। बात करें अगर कोशिका के खोज की, तो कोशिका की जो खोज है वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है वो 1665 ईस्वी में जो है वो खोज की थी। किसकी खोज की थी, कोशिका की जो है वो खोज की थी। और रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने बोतल की जो कार्क होती ना उसकी एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे इनको कोष्ठ दिखे थे, और उन्होंने जो कोष्ठ दिखे थे उसे इन्होंने नाम दिया था कोशा। और ये जो तथ्य मैंने आपको बताया ये इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इसमें जो है ये तथ्य भी छपा था, तो इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो कोशा भित्ति थी उनके आधार पर ही कोशा शब्द का जो यूज है वो किया था। अब इसी से संबंधित और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे कि अगर बात करें सेल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं कोशावाद, ये जो है वो किसने प्रस्तुत किया, तो एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडन, वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे ये स्लाइडन, और एक और नाम देखने को मिलता है श्वान। तो स्लाइडन और श्वान ने 1839 में जो कोशावाद या जो सेल थ्योरी है वो जो है वो प्रस्तुत की थी। साथ ही साथ अधिक कोशाएं जो है इन्होंने 0.5
म्यू से लेकर 20 म्यू जो है उसकी व्यास की जो है वो बताई थी। अब यहीं से ही मिलता जुलता एक है, जीवित कोशा का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जीवित, और ये जो कोशा है ये स्टार्टिंग से जो नाम था इसीलिए इसको हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ही, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशा नाम दिया था, इसीलिए अभी तक कोशा ही नाम चल रहा है। तो जो जीवित कोशा है, बात यहाँ पर कोशिका की जा रही है, पर नाम जो उन्होंने दिया था उसको लेकर हम देख रहे हैं। तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो 1674 ईस्वी में जो है, ये सब ईस्वी हैं आपके साथ, तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने जो है जीवित कोशा का सबसे पहले अध्ययन जो है वो किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है क्या, कि कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका, इसका पता जो है वो किसने लगाया? केंद्रक और केंद्रिका का पता रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने पता लगाया था। कब लगाया था? तो 1831 ईस्वी में जो है वो पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का, कोशिका जो है इसमें केंद्रक और केंद्रिका। रॉबर्ट जो ब्राउन थे इन्होंने ही इसी 1831 ईस्वी में केंद्रक जो है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर, इसकी खोज भी जो है वो की थी, न्यूक्लियस कहते हैं हम। ये हो गया, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो आप कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर एक नाम देखने को मिलता है डुजार्डिन का, इन्होंने यानी कि जो डुजार्डिन है इन्होंने जो जीव द्रव्य होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी जो है वो खोज की थी। और जबकि एक और नाम देखने को मिलता है जिनका नाम है, नीचे लिख देते हैं यहां पर, पुरकिंजे, जो पुरकिंजे थे इन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ जो है प्रोटोप्लाज्म, या जिसको हम जीवद्रव्य नाम देते हैं, उसका नाम दिया था। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि खोज तो डुजार्डिन ने की थी पर नाम जो है वो पुरकिंजे ने दिया था। तो पुरकिंजे का नाम अधिकतर जगह देखने को मिलता भी है आप, तो ध्यान रखिएगा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं उससे जो है वो संबंधित होता है। फिर इनको रफ करते हैं, अगला नाम देखने को मिलता है शिंपर का, ये वनस्पति वैज्ञानिक जो शिंपर हैं इन्होंने 1883 ईस्वी में, ऊपर वाला जो भी मैंने बताया था उसका जो पुरकिंजे के द्वारा जो नाम दिया गया था वो 1839 ईस्वी में दिया गया था, सन भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो सिंपर जो थे 1883 में इन्होंने पर्ण हरित, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसका जो है वो नामकरण किया था 1883 में, किसने? शिंपर ने। इसी प्रकार एक नाम देखने को मिलता है गालजी काय का, गालजी काय जो है जिसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। यहां हम ऐसा करेंगे कि जितने भी ये कोशिकांग हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, अलग से इनको एक लिस्ट में देख लेंगे। यहाँ पर हमने जो बेसिक चीजें थी कोशिका से रिलेटेड वो जो है वो देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका जो है उसके प्रकार, जिसे हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो
करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार जितना अधिक से अधिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम सभी आपको जो है वो प्रोवाइड कराते रहें। तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो जो है वो बनता ही है। चलिए बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका के जो है मुख्यतः दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, इंग्लिश में ही लिख देते हैं PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक, और इधर साइड लिख देते हैं दूसरा जिसका नाम है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, इस टाइप से आपके हो जाएंगे। अब प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो वे कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक कला होता है, केंद्रक होता है, ये सभी सुविकसित जो कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक। बीच में अगर एक लाइन खींच दें यहाँ पर आपका लिख देते हैं, चलिए केंद्रक कला जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में हम इसे कहते हैं केंद्रक कला और इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साथ ही साथ केंद्रक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये जो है, और जो सुविकसित कोशिकांग होते हैं उनका इनमें अभाव होता है यानी कि क्रॉस नहीं होते हैं। अगर बात करें यूकैरियोटिक की तो इनमें केंद्रक कला, केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं, यानी यहां पर हमने टिक लगा दिया। प्रोकैरियोटिक जो है इसमें नंबर डाल देते हैं, प्रोकैरियोटिक जो है इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं, राइबोसोम। अगर बात करें यूकैरियोटिक में तो यहां पर आपका 80S प्रकार के राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं। रचना के आधार पर अगर बात करें तो जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकाएं होती हैं वो आद्य होती हैं, इनमें केंद्रक पदार्थ यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में जो है इसमें रहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है। ये सारी बातें मैंने बताई प्रोकैरियोटिक के बारे में। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो है जो विभिन्न या कोशिकाएं हैं जैसे कि विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, इनको छोड़कर बाकी सभी जो पौधे होते हैं उनमें विकसित कोशिका इसमें होती है और इनका आकार जो है वो बड़ा होता है यूकैरियोटिक का। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक भी जो है वो होता है जो कि चारों ओर से दोहरी झिल्ली से जो है वो घिरा रहता है, और इनमें जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम उसकी संख्या एक से अधिक जो है वो होती है। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, रिक्टसिया, अरे नीले शैवाल, इन सब की कोशिकाएं जो है ये सब आती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंस के तौर पर आप याद रख सकते हैं। ये हो गया टाइप्स। अगर अब बात करते हैं कोशिका के निर्माण के संदर्भ में, कोशिका जो है इसका जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कोशिकांग के नाम से जो है वो जानते हैं। कोशिकांग को इंग्लिश में हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, तो उसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के मुख्य तीन भाग होते हैं, टाइप्स अलग हैं, भाग अलग हैं। तो कौन कौन से, पहला होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेल वॉल। दूसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य,
जिसके बारे में अभी मैंने पुरकिंजे का नाम लिया था। तो जीव द्रव जो है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तीसरा आपका होता है जिसका नाम है रिक्तिकाएं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वैक्यूल्स जो है वो कहते हैं, VACUOLES। ये आपके भाग होते हैं। अब थोड़ा सा एक एक करके सभी के बारे में बात करते चलते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो केवल ये जो होती है कोशिका भित्ति, वो केवल पादप कोशिकाओं में जो है वो पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में जो है ये नहीं होती है। जा करके लिख रहे हैं, यानी कि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, केवल और केवल पादप कोशिकाओं में जो है ये होती है। सबसे जो बाहर की परत होती है ना, ये उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और जीव द्रव के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है, वो उसके द्वारा इसका जो है निर्माण जो है वो होता है। ये मोटी होती है, मजबूत होती है, छिद्रयुक्त होती है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न, वो ये पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो ये जो है वो मुख्यतः सेलुलोज की जो है वो बनी होती है। साथ ही साथ एक इसकी विशेषता होती है जिसे हम कहते हैं पारगम्य, यानी कि परमिएबल। इंग्लिश में लिख देते हैं PERMEABLE, जिसे हम क्या कहते हैं, पारगम्य। ये होती है, और बहुत से कवक हो गए, ईस्ट हो गए, उनमें ये काइटिन की जो है वो बनी होती है कोशिका भित्ति। तो इसे सेलुलोज से ही आपको आसानी से याद हो सकता है क्या चीज, कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। तो पादप कोशिका की जब भी बात होती है, तो वहीं से ही सेलुलोज वर्ड जो है वो निकलता है। तो याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई आपको नहीं होगी। पहला हमने देख लिया कोशिका भित्ति, अब बात करते हैं जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव जो है, कोशिका जो होती है उसके अंदर संपूर्ण जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं जीव द्रव। जीवों में होने वाली जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीव द्रव में ही होती हैं। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है क्या, कि जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में, रिक्तिकाओं में, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाता है। तो जीव द्रव्य में संपन्न होती है। जीव द्रव्य को ही हम जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी जो है वो कहते हैं। अब अगर आधुनिक जीव जो वैज्ञानिक है वो लगातार ये खोज कर रहे हैं इनके बारे में, तो उन्होंने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके ये पता लगाया कि उसका निर्माण कौन कौन से घटक हैं जिनसे जो है वो हुआ है, और लगातार इसमें भी और भी आगे खोज जो है वो होती जा रही है। नाम मैंने पहले ही बता दिया, पुरकिंजे जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो ये नाम था प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं जीव द्रव्य, उसका नाम जो है वो दिया था। एक और चाहे तो एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोंगो वॉन मोल। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहां पर VAN वॉन मोल, MOHL। तो ये जो थे, इन्होंने जीव द्रव्य की प्रकृति कोलाइडी होती है ये जो है वो बताया था। अगर नाम ना याद हो आपको तो डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, जीव द्रव्य की जो प्रकृति होती है वो कोलाइडी होती है। अगर जीव द्रव्य के टोटल संगठन में बात करें, तो लगभग आपका 80% जो है इसमें जल जो है वो पाया जाता है, और इसमें अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ खुले रहते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थों की बात करें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम, ये जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से आएंगे, तो उनमें कुछ लवण आते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन के फास्फेट हैं, सल्फेट क्लोराइड हैं, कार्बोनेट हैं, ये सब जो है वो पाए जाते हैं। अगर ओवरऑल इसमें चार प्रमुख तत्वों की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी लगभग 62%, कार्बन जो है इसमें 20%, हाइड्रोजन जो है वो 10% और नाइट्रोजन जो है वो 8% पाई जाती है। तो कुछ इतनी चीजें हैं जीव द्रव्य में। लास्ट बात करते हैं रिक्तिकाओं की, जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो रिक्तिकाएं क्या होती हैं, ये तरल पदार्थों से भरी संरचनाएं होती हैं, और पादप कोशिकाओं में व्यापक रूप से जो है ये पाई जाती हैं। और जो विभाज्योतक, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टमेटिक, वो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें रिक्तिकाएं अधिक संख्या में जो है वो पाई जाती हैं।
जबकि अगर परिपक्व कोशिकाओं की बात करें तो उनमें रिक्तिकाएं बड़ी और कम जो है वो होती हैं, और जो प्रत्येक रिक्तिका होती है वो चारों ओर एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम रिक्तिका कला के नाम से जो है वो जानते हैं, रिक्तिका कला। रिक्तिका कला को हम इंग्लिश में वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो है वो कहते हैं, और एक और इसका नाम है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट भी हम इसी को कहते हैं, जो चारों ओर झिल्ली से जो है वो घिरी रहती है। रिक्तिका के अंदर अगर बात करें तो एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम रिक्तिका रस जो है वो कहते हैं, और खनिज लवण जैसे कि नाइट्रस, नाइट्रेटस या क्लोराइड्स या फास्फेट, ये सारी चीजें भी इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुरुषों और फलों आदि की जो रिक्तिकाएं होती हैं उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो उनमें एंथोसाइनिन जो है वो पाया जाता है, एंथोसाइनिन, जो कि इनको विभिन्न रंग जैसे नीला, बैंगनी, लाल, गुलाबी आदि जो है वो प्रदान करते हैं। तो पुष्पों और फलों आदि की, यहाँ लिख भी दे रहा हूं मैं, पुष्पों और जो फल होते हैं इनकी जो रिक्तिकाएं होती हैं उनमें एंथोसाइनिन जो है वो पाया जाता है, जो कि इसको विभिन्न प्रकार का रंग जो है वो प्रदान करते हैं, जैसे नीला, बैंगनी, लाल, गुलाबी आदि। अब बात करते हैं हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसमें जो है वो डिफरेंस। पादप कोशिका को हम इंग्लिश में प्लांट सेल जो है वो कहते हैं, और जो जंतु कोशिका होती है उसे हम इंग्लिश में एनिमल सेल जो है वो कहते हैं। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका कला के बाहरी जो भाग होते हैं उसको ढकते हुए सेलुलोज की बनी हुई एक निर्जीव कोशिका भित्ति जो है वो होती है, तो कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की जो है वो बनी हुई होती है। जंतु कोशिका जो है साधारणता जो कोशिका कला होता है वही सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति जो है इसमें नहीं होती है। पादप कोशिका जो है उसमें तारक काय साधारणता जो है वो नहीं पाया जाता है, और अपवाद स्वरूप बात करें तो कुछ निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें ऐसी संरचना मिलती है। इनमें बात करें तो केंद्र के समीप मिलने वाली एक सितारे के समान इसमें विशेष संरचना जो है वो होती है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में जो है वो लवक जो है वो पाए जाते हैं, जो रंग बिरंगे और विभिन्न आकार के होते हैं, और कोशिका द्रव्य जो है उसमें जो है ये बिखरे रहते हैं। अपवाद के तौर पर आप कह सकते हैं कि कवकों में लवक जो है वो नहीं मिलते, परंतु वो आते पादप कोशिका के अंतर्गत ही हैं। जंतु कोशिका में लवक जो है वो नहीं पाए जाते हैं, पर अपवाद की बात करें तो युगलीना जो कि एक जंतु है उसमें हरित लवक जो है वो पाया जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा अपवाद वाले जो है, क्योंकि पूछे अधिकतर वही जाते हैं। तो युगलीना है जंतु जिसमें हरित लवक पाया जाता है। इनमें बात करें पादप कोशिकाओं में तो रिक्तिकाएं जो होती हैं जिसको भी हमने बात की थी वो संख्या में अधिक और बड़ी होती हैं, पर अधिकतर परिपक्व कोशिकाएं जो होती है उसमें कोशिका द्रव्यों के बीच स्थित होती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती हैं वो संख्या में कम होती हैं और अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं। लास्ट पॉइंट है गाल्जी काय से संबंधित। गाल्जी काय की बात करें तो पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो साधारणतः उसमें गाल्जी काय जो है वो नहीं पाया जाता है, और सरल संरचना वाली जो संरचनाएं कुछ पौधों में मिलती हैं उन्हें हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास जो गाल्जी काय होता है वो कलाओं और रिक्तिकाओं का एक समूह होता है, पर यहाँ पर जो है वो नहीं पाया जाता है। ये कुछ बेसिक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए, कई बार इनसे भी प्रश्न वो पूछा जाता है। एक विभाजन आपका जो है वो समसूत्री और अर्धसूत्री भी होता है, एक दो लाइन इसमें भी जान लेते हैं। समसूत्री को हम इंग्लिश में कहते हैं मिटोसिस, MeTOSIS, और दूसरा होता है अर्धसूत्री जिसे हम मियोसिस कहते हैं, MeIOSIS। तो जो समसूत्री होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, और जो अर्धसूत्री होता है ये युग्मक के निर्माण के लिए जो जनन कोशिकाएं होती हैं प्रोडक्टिव सेल उनमें जो है वो होता है।
समसूत्री जो विभाजन होता है, ये विभाजन जीवन चक्र में बहुत बार होता है, पर अर्धसूत्री विभाजन जीवन चक्र जो होता है उसमें केवल और केवल एक बार ही जो है वो होता है। और बाकी ज्यादा अंतरों पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है, शॉर्ट में हम चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अर्धसूत्री का एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन नाम जो है वो किसने दिया, तो 1905 में जेबी फार्मर जो है उन्होंने नाम जो है वो दिया था। अर्धसूत्री विभाजन पूछा जाए किसने नाम दिया था, तो इन्होंने दिया था। और समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग जो है उन्होंने जो है वो की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कब की थी, तो 1877 में जो है वो की थी। अब हम बात करते हैं हमारा इस जो टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट जो है कोशिकांग और उनके खोजकर्ता और कार्य। इसके लिए हम एक लिस्ट आपको दिखाते हैं, उसी में ही चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। ये है आपकी पूरी लिस्ट, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि वीडियो आपका फुल HD क्वालिटी में है। साइड में 3 डॉट जो बटन होते हैं वहां से आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ये है आपके कोशिकांग, उनके खोजकर्ता और कार्य। ये आपको पूरे पूरे हर हाल में रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। सबसे पहला बात करते हैं हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। खोजकर्ता जो है इसके हैकल थे और कार्य जो है इसका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना जो है वो होता है। तो इसमें ऐसा और कुछ खास नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, नाम ध्यान रखिएगा और कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कॉलिकर जो है इनके द्वारा खोज की गई थी, और कार्य इसका होता है कब खोज की गई थी, अच्छा तो 1890 ईस्वी में जो है वो की गई थी। और अल्टमान जो थे उन्होंने इसका वर्णन भी जो है इसके नाम से जो है वो किया था। कार्य की बात करें तो कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP का निर्माण करके कोशिका में ऊर्जा का संश्लेषण होता है, इसीलिए इसे हम कोशिका का पावर प्लांट भी जो है वो कहते हैं। एक और नाम लिखा रहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कहा जाता है। मेन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है वो कहते क्यों है, तो रीजन ये होता है कि इसे या इसमें जो है वो 36 जो है वो ATP जो अणु यहाँ पर बात की गई है, ATP जो 36 अणु हैं जो कि एक ग्लूकोज के टूटने से बनते हैं, इनमें 34 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ही अकेले बनते हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस ऊर्जा ग्रह के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर बात करें उपस्थिति की तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर बाकी सभी पौधों और जंतुओं की समस्त कोशिकाओं में ये जो है वो समस्त जीवित कोशिकाओं में जो है ये पाए जाते हैं। इनकी संख्याओं की बात करें तो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के चारों ओर घिरी रहती है। इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के नाम से जानते हैं। गुहा को हम इंग्लिश में कैविटी कहते हैं। अगर इसमें रासायनिक संगठन की बात करें तो प्रोटीन जो है इसमें 65.70% है। साथ ही साथ इसमें फॉस्फोलिपिड जो है वो 25% है। RNA जो है इसमें 0.5% है। DNA जो है इसमें कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट आपका है अंतः प्रद्रव्यी जालिका जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोजकर्ता जो है वो पोर्टर थे। इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में और लिपिड ग्लाइकोजन स्टोराइड संश्लेषण इन सब में जो है इसका यूज होता है। ये जो आपका जो दोहरी झिल्ली से घिरी नलिकाएं होती है ना उसका ये एक विस्तृत जाल होता है जो कि पूरा जो जीव द्रव्य होता है इसमें ये फैला रहता है। और ये जो जालिका होती है इसके कुछ भागों पर किनारे किनारे पर आप देखेंगे तो छोटी छोटी कणिकाएं भी लगी होती हैं, उन्हें हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें भी दो प्रकार की अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है। एक आपकी होती है रुग्ज या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम रहता है, और एक होती है चिकनतनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसमें हम स्मूथ कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम जो है वो लगा रहता है। एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ, ये दो टाइप होते हैं। नेक्स्ट आपका है
गॉल्जी का है, जिसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। मैंने ना स्टार्टिंग में नाम बताया था। कार्य की बात करें तो शुक्राणु जो है उसके एक्रोसोम का निर्माण, हार्मोन श्रावण, पदार्थों का संचय और स्थानांतरण का कार्य जो है वो करता है। मुख्य रूप से ये जंतु कोशिकाओं में और कुछ पादप कोशिकाएं जैसे शैवाल हो गया, नहीं इसको हम इस टाइप से नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये नीले हरे जो शैवाल हैं, जीवाणुओं और लाइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी जीवधारी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें गॉल्जी का पाया जाता है। और इनकी जो गुहिकाएं होती है उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम और पॉलीसेकेराइड भी जो है वो होते हैं। अगला है कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी जो मध्य पटलिका कोशिकाएं होती हैं उनके बीच सीमेंट का कार्य जो है ये करती है। ये सारी चीजें बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में ही। जीव द्रव की बात करें, प्रोटोप्लाज्म खोजकर्ता पुरकिंजे थे। ये जीवन की भौतिक आधारशिला कहलाती है, ये मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगला है कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन जो है उन्होंने दिया था। आकृति प्रदान करना और पदार्थों का आदान प्रदान इसके आधार पर होता है। अगला है क्वांटासोम, जिसको खोजा था पार्क और पोन ने। प्रकाश संश्लेषण की इकाई के रूप में हम इसे जानते हैं। राइबोसोम आपका, जिसकी खोज पैलाडे ने की थी। और प्रोटीन का संश्लेषण, ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि कहाँ होता है, तो राइबोसोम जो है इसमें आपका होता है। और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से राइबोसोम जो है वो बने होते हैं। खोज इसकी पैलाडे ने की थी। कब की थी, तो 1955 ईस्वी में जो है वो की थी। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसी प्रोटीन संश्लेषण वर्ड के साथ, तो इसको जोड़कर जरूर याद रखें। अगला है तारक काय, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम। इसकी खोज की थी टी बोवेरी ने। कोशिका विभाजन के समय जो एस्टर किरणें होती हैं उनका विकास तारक काय जो है इसमें होता है। अगला है लाइजोसोम, जिसे हम खोजा था जी डुबे ने। ये बाह्य कोशिका पदार्थों और आंतरिक कोशिका पदार्थों का पाचन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आत्महत्या या पाचन की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइजोसोम को जो है वो कहा जाता है। सुसाइड बैग हम इंग्लिश में इसे कहते हैं। और अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड, गुर्दे आदि, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है लाइजोसोम के बाद पराक्सी, इंग्लिश में देखिए प्रोक्सीसोम लिखा हुआ है। नीचे लाइन जो आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो इसकी खोजकर्ता थे टॉलबर्ट, जिन्होंने प्रकाश श्वसन इसका कार्य जो है वो होता है। लास्ट है हमारा सूक्ष्म नलिकाएं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो ट्यूबल्स। और इसकी खोज डी रॉबर्ट्स ने की थी। इसका कार्य सीलिया, कशाभिका, तारक काय और कोशिका कंकाल का निर्माण करने में होता है। साथ ही साथ मैंने केंद्रक के बारे में आपको बता दिया था, जो यहाँ पर नहीं है। दो तीन चीजें, केंद्रक, केंद्रिका और गुणसूत्र। जो केंद्रक है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने खोज की थी, मैंने बताया था। और कोशिका का नियंत्रक का कार्य इसका होता है। केंद्रिका जो है इसकी खोजकर्ता फोंटाना थे, और इसका कार्य होता है आरएनए और राइबोसोम जो है उसका विश्लेषण या संश्लेषण जो है वो करना। गुणसूत्र को इंग्लिश में, केंद्रिका को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रिका को कहते हैं न्यूक्लियोलस और केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा ही स्पेलिंग में अंतर है। और खोजकर्ता इसके केंद्रिका के फोंटाना थे, आरएनए और राइबोसोम का संश्लेषण करता है। और गुणसूत्र को इंग्लिश में हम क्रोमोसोम कहते हैं, और इसकी खोज की थी वॉल्डियर ने। और इसका कार्य होता है गुणसूत्र का जो जननिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। गुणसूत्रों की संख्या आप सभी जानते हैं 46 होते हैं, और जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं। और गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बनी संरचनाएं जो है वो होती हैं। तो पूरा हमारा टॉपिक जो है समाप्त हो गया इसी के साथ। बाकी इन्हीं चीज़ों को आप चाहें तो चित्र के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी अपने मोबाइल पर चित्र अलग से सर्च कर लीजिए, बाकी चीज़ों को यहाँ से देखते हो चलिए, तो वो भी आपको हेल्प जरूर करेगा। मैंने कोशिश की है कम शब्दों में अधिक से अधिक चीज़ें बताने की, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया पर एक अकेला लेक्चर हो सकता है। ये सोचिए कि उसका चित्र है, उसके बारे में डिटेल है,
तो उतनी सारी चीजें इतने कम समय में पॉसिबल नहीं कि मैं एक एक टॉपिक को बहुत खींचू, कम शब्दों में अधिक से अधिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मेन उद्देश्य है सबके लिए, जिनके वीडियो बनाया जा रहा है तो सभी तक वीडियो पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताना है। पूछा यहाँ पर ये गया है कि कोशिका का दिमाग जो है किसे कहा जाता है? केंद्रिका को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, या फिर लवक को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जो है वो होता है। तो आज पर मैं इतना ही रखते हैं। इससे पहले कि अगर आपने टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस की अलग से बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप इससे पहले के जो वीडियो हैं वो जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हमने कराई है और इससे पहले के सभी जो टॉपिक थे उनको भी जो है हमने कराया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शाम को 8 बजे। लाइव टाइमिंग 2 है हमारी, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। इससे पहले जो हमने टॉपिक कराया था वो आज के इस शाम के 8 बजे हम उन पर आधारित प्रश्न जो है वो देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।